नए सत्र का आगाज हुआ। पुलिस को याद आई स्कूल छोड़ने जा रही बच्चों की क्षमता से ज्यादा भरी वैन और ऑटो। जब भी स्कूलों में नए सत्र का आगाज होता है तो हर साल की तरह इस साल भी एक सिलसिला प्रारंभ होता है। वह होता है स्कूल छोड़ने जा रहे बच्चों की ऑटो और वैन की चेकिंग का। रीवा शहर में आमतौर पर जितने भी स्कूल हैं, स्कूलों में जो भी गाड़ियां बच्चों को छोड़ने जाती हैं, फिर चाहे वह वैन हो या फिर ऑटो, अपनी क्षमता से ज़्यादा बच्चों को लेकर जाती हैं। जुलाई माह में पुलिस को आरटीओ को या वैन और ऑटो क्षमता से भरी नज़र आती हैं। उसके बाद पूरे सत्र में यही वैन यही ऑटो उनको खाली नज़र आती हैं। स्कूल छात्र के शुरुआती लम्हों में रीवा में एक बार फिर से स्कूल जा रही ऑटो और टैक्सियों की जांच कर पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को मात्र दो गाड़ियां ही क्षमता से ज़्यादा भरी नज़र आईं। अब देखना है पुलिस का यह सिलसिला कब तक चलता और कितनी गाड़ियों पर यह कार्रवाई होती है। वह भी चेकिंग तब हुई जब नए बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। अगर यह कार्रवाई नहीं होती तो पुलिस की नज़र इन ऑटो पर शायद नहीं पड़ती। पकड़ी गई है कुछ जी जी, क्या कार्रवाई होगी? भाई ये इसमें इनका कोई परमिट है नहीं है इनके पास में, और देखा जाए तो बच्चे भी इसमें कम से कम 12 से 15 बच्चे थे, बाकी उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी जो भी प्रावधान है। कुल अभी तक कितने वाहनों पे कार्रवाई की? दो गाड़ियाँ अभी तक पकड़ी गई हैं सर। वैन है उसमें 20-20 बच्चे तक बैठाए गए। अभी तो जो भी गाड़ियाँ पकड़ी गई है तो उसमें 12 से 15 बच्चे थे, उनको सभी को घर छुड़वाया जाएगा और उसके बाद थाने ले जाकर कार्रवाई की जाएगी।